इंडो नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन मधवापुर बीओपी के जवानों ने गुरुवार की अहले सुबह मिली गुप्त सूचना के आधार पर विशेष नाका गश्ती के दौरान एक टाटा पिकअप पर लदे 4,950 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ तीन तस्कर को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार तीनों तस्कर दरभंगा जिले के बताए जा रहे हैं। इस बाबत एसएसबी मधवापुर बीओपी के इंचार्ज इंस्पेक्टर लोकेंद्र कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि भारतीय बाजारों में खपाने के लिए बड़ी मात्रा में नेपाली शराब की खेप लाई जा रही है, जिसके बाद उनके नेतृत्व में एएसआई बिशनलाल सहित 6 जवानों ने एसएसबी कैंप के समीप नाकेबंदी कर शराब लदे पिकअप को घेर लिया। फिर तलाशी के दौरान वाहन से भारी मात्रा में बोरियों में रखी शराब बरामद हुई, जिसके बाद वाहन को जब्त कर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त कार्रवाई गुरुवार की सुबह लगभग 4 बजे बॉर्डर पिलर नंबर 295/500 भारतीय सीमा क्षेत्र में एसएसबी कैंप के सामने की गई। उन्होंने बताया कि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जब्त शराब को स्थानीय पुलिस को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। इधर इस कार्रवाई के साथ ही एसएसबी के चेक जांच की प्रक्रिया को काफी बल मिला है। मीडिया लाइव न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।